अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र की ओर से ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने दी जानकारी। धार्मिक नगरी अयोध्या में जब 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी, जिसके बाद से ही राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से मीडिया को मंदिर निर्माण के संबंध में जानकारी दी गई। मीडिया से मंदिर निर्माण कार्य को लेकर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने परिसर में चल रहे निर्माण कार्य को भी दिखाया। सचिव चंपत राय ने बताया, मुख्य मंदिर 350x250 फीट का होगा। दिसंबर 2023 तक ग्राउंड फ्लोर का काम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, ये बन तो रहा है लेकिन इसको सुरक्षा पर खास ध्यान देना होगा। नक्काशी के लिए राजस्थान स्थित सिरोही जिले के पिंडवाड़ा कस्बे के 3 वर्कशॉप वाले कारीगर काम कर रहे हैं। जिन पत्थरों पर नक्काशी हो रही वो अभी आ रहे हैं। उन्होंने बताया, जिन पत्थरों पर नक्काशी हुई है वो पत्थर यहाँ लाए जा रहे हैं। ट्रस्ट के सचिव ने बताया, कार्यशाला से भी पत्थर लाए जा रहे हैं। मंदिर के पहले तल का काम 60% पूरा हो चुका है। मंदिर के प्रथम तल के कुल 160 पिलर होंगे, जबकि मंदिर के दूसरे तल में करीब 82 पिलर होंगे। राम मंदिर में कुल 12 दरवाजे होंगे। दरवाजे सागौन की लकड़ी के बनेंगे। दिसंबर 2023 तक इनका काम पूरा होने का अनुमान है। वहीं 2024 मकर संक्रांति पर प्राण प्रतिष्ठा की उम्मीद है। उन्होंने बताया, 2024 तक दर्शन की उम्मीद की जा सकती है। अभी अष्टकोणीय गर्भगृह में काम जारी है। यहां 500 विशाल पत्थर बिछाए जा चुके हैं, जबकि मंदिर के आंदोलन के वक्त से ही कार्यशाला में भरतपुर से पत्थर आते थे। सोमपुरा में लंबे समय तक पत्थरों पर नक्काशी हुई, अब वो पत्थर भी यहाँ लाए जा रहे हैं। इसके अलावा कार्यशाला से भी सारे पत्थर आ रहे हैं। काम की प्रगति बहुत संतोषजनक, बहुत संतोषजनक। कभी हमारी कल्पना थी, अब हमें वो विश्वास पैदा हो गया है कि अगले एक साल में भूतल कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात 350 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा, चौड़ा यानी उत्तर दक्षिण, लंबाई यानी पूरा पश्चिम, और 20 फीट ऊंचाई। एक फ्लोर 20 फीट ऊंचा है तो खंभे, बीम और छत, इतना सब तैयार हो जाएगा, और इसलिए हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। जो प्लिंथ का काम हुआ है वो गौर से देखा। प्लिंथ में 17,000 पत्थर के साथ में ग्रेनाइट लगा हुआ है। उन्होंने पूछा इसका कारण क्या है, ग्रेनाइट क्यों यूज़ किया है। ग्रेनाइट तो नॉर्मली इमारतें में यूज़ होता है, यहाँ पे फाउंडेशन में क्यों यूज़ किया है। तो हमने ये कहा कि ग्रेनाइट के होते हुए पानी का एक बूंद भी उसमें एब्सॉर्ब नहीं होगा, तो 1,000 साल की आयु के लिए मूल कारण ग्रेनाइट के पत्थर है। जो 17,000 पत्थर इस मंदिर को झेलते हुए 1,000 साल तक रहेंगे, तो उन्होंने सबसे सराहना की कि 1,000 साल तक अगर ये मंदिर टिकने वाला है तो ये सबसे उत्तम काम वो है। दूसरा उन्होंने कहा, ये बलुआ पत्थर के साथ में जो बंसी पावर का काम शुरू हुआ है, बस हो गया, निगरानी समय हो गया, एक आ रहा हूँ, इसके होते हुए जो बलुआ पत्थर का जो काम हुआ है, जो अशोक जी सिंगल के साथ में शुरू हुआ था, उसको आगे बढ़ाते हुए अभी अभी हमारे गुजरात के, राजस्थान के जो सभी कारागिर है वो अभी भी काम कर रहे हैं। 24 घंटे काम चालू है और उनके होते हुए मार्च तक 24 का हमारा काम पूरा हो जाएगा। एक सवाल आखिरी है कि प्रधानमंत्री को जब आप अपनी पूरी बात बता रहे थे, निर्माण इकाई की ओर से बातें हो रही थी, तो उन्होंने और कोई ऐसी बात आपसे, आपके दिमाग में हो रहा हो जो उन्होंने कहा हो या आप लोगों ने कहा हो और बहुत महत्वपूर्ण हो, उसे बता दें। और कैसा महसूस हुआ प्रधानमंत्री को जब आपने अपने बीच पाया और आपके वर्करों ने, तो उनके अंदर क्या उत्साह रहा? सब वर्कर, स्टाफ मेंबर्स, जो मैनेजर्स, सब उनके साथ में थे। उनसे मिल के उन्होंने बात की और बात करने से उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये कहा कि ऐसे ही मिलके सब काम करते रहो तो बहुत अच्छा होगा। और आखिर में उन्होंने ये कहा, सूरज की किरणें जब यहाँ आएगी तो रामनवमी के दिन ये भी जरूर याद रखना, ये उनकी खुद की कल्पना है। और हमने उनको जताया कि CSIR के माध्यम से हमने उसके ऊपर सब यांत्रिक पूरी तैयारी की है, आर्किटेक्चर का काम किया है। सूरज की किरणें बिल्कुल रामनवमी के दिन ऊपर से आके सीधी रामलला के ऊपर घिरेगी, तो ये अपने लिए गौरव का दिन होगा। तो उन्होंने कहा, ये देखने के लिए मैं जरूर आऊँगा।